गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का पार्ट तीसरा, हिंदी में पार्ट तीसरा पूरा करेंगे। हमने अगले पैराग्राफ में पढ़ा था कि महात्मा जी खाना मंगवाते हैं और दोनों भाई खाना लेके आते हैं और वो महात्मा जी तीन हिस्सा करके तीनों खाना खाते हैं और फिर महात्मा जी के उद्देश्य अनुसार वे तीनों खाना खाने के बाद दोनों भाइयों का गुस्सा है जो ठंडा हो जाता है और वे दोनों महात्मा जी से विनती करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, अब हमारी ज़मीन का फैसला आप ही कीजिए। तो आज आगे देखते हैं कि महात्मा जी क्या कहते हैं। आज है पैराग्राफ सातवां। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। अब महात्मा जी कहते हैं कि हम इसी ज़मीन से पूछकर इस ज़मीन का निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। इतना कहकर महात्मा जी ने अपना कान वो भूमि पर लगाया, जमीन पर कान लगाते हुए कुछ सुनने का प्रयास कर रहे थे, या ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ सुन रहे हो या वो भूमि कुछ उन्हें बोल रही हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। कुछ देर तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, मतलब कुछ देर तक उन्होंने भूमि या उस जमीन से कान सटाए रखा या लगाए रखा और फिर वे एकदम सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में या तेज वाणी में बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है, या ये जमीन जो है, ये भूमि है, ये कुछ और ही बोल रही है। जो तुम दोनों बोल रहे हो वो ये, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। दोनों भाई बोले महाराज, भूमि क्या कह रही है? दोनों भाई ने पूछा, बोले कि महाराज, ये भूमि या ये जमीन क्या बोल रही है आपको, या इस जमीन ने आपको ऐसा क्या कहा है? महात्मा जी ने कहा, ये भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। देखा, अब भूमि ने क्या कहा महात्मा जी ने से कि ये भूमि बोल रही है कि ये जो दोनों भाई है, ये दोनों फालतू ही व्यर्थ ही अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से लड़के मेरे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं या मेरे ऊपर अपना हक जमा रहे हैं, जबकि मैं इन दोनों में से किसी के भी नहीं हूँ। यानी भूमि बोल रही है कि इन दोनों में से मेरा कोई भी मालिक नहीं है, ये फालतू ही मेरे ऊपर अपना हक जमा रहे हैं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। भूमि ने कहा कि हाँ, ये दोनों जरूरी मेरे हैं, ये दोनों भाई मेरे जरूर है, पर ये दोनों ही मेरे जमीन के या मेरे इस भूमि के मालिक नहीं हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है कि मैंने इन दोनों भाइयों की जो आगे की कई पीढ़ियाँ हैं, दोनों को कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। मतलब इसी ज़मीन पर शायद खेती वगैरह करते थे और खाते, उस खेती से अन्न दान खाते थे, और जाते हुए भी देखा, मतलब कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। अब पैराग्राफ है आठवां। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी की ये बात सुनकर दोनों ही भाई बड़े लज्जित हुए, यानी दोनों ही भाई को बड़ी शर्म आई कि ये क्या हो रहा है। उन दोनों को शर्म आई और दोनों ही महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े, यानी दोनों ही महात्मा जी के पांवों में गिर पड़े या गिड़गिड़ाने लगे। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। वो दोनों ही शर्म से महात्मा जी के चरणों में पड़े और फिर महात्मा जी ने जब लोहा गर्म देखकर, मतलब देखा कि दोनों ही बड़े शर्म हो रहे या अभी पिघल चुके हैं मेरी बात को समझेंगे, तो उन दोनों को वह समझाते हुए बोले कि तनिक विचार करो, जरा विचार करो या सोचो कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? क्या वो भूमि आज तक किसी की हुई है? तुम्हारी आज तक इतनी ऊपर की पीढ़ियाँ जो इस भूमि पर हक जमाती रही हैं, पर ये भूमि आज तक उनकी भी नहीं हुई, तो तुम लोगों की क्या होगी? ये तुम लोगों की ये भूमि क्या होगी? मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। जो मनुष्य इंसान है, फालतू ही व्यर्थ में ही जमीन को या किसी को अपनी अपनी बोल कर, या ये मेरी है या मेरा है करते करते यत्न करता है या अपने बात को
कहता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। यानी मनुष्य या इंसान ये नहीं सोचता है कि इस संसार में जितनी भी सामान है, चीज है, जमीन है, ये सब उस मनुष्य का खुद का नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? बड़े बड़े जो छत्रपति राजा थे, जो बड़े बड़े राजा लोग थे, वे भी इन जमीनों के लिए लड़ते थे, युद्ध करते थे और अपनी अपनी कहते थे, परंतु क्या वो इस जमीन को या इन सब चीज़ों को साथ में लेके गए हैं? नहीं। कोई भी राजा वगैरह जो जमीन के लिए लड़े थे और जमीनें जीती थी, पर वो अपने साथ ले नहीं गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। जैसे सारे मनुष्य, छत्रपति, राजा वगैरह खाली हाथ इस संसार में आए थे, मतलब जब वो पैदा हुए थे तब वो कुछ भी लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे। तो वे जब संसार को छोड़ देंगे या चले जाएंगे इस संसार से हमेशा के लिए, तो वह साथ में कुछ नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। अब पैराग्राफ 9, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? ये भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। उन दोनों भाइयों को महात्मा जी कहते हैं कि इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए या इतनी सी जमीन के लिए तुम दोनों भाई फालतू ही अपने अनमोल जीवन को, मतलब बिना मूल्य वाले, बड़े ही मुश्किल से लोगों को जीवन मिलता है या मनुष्य जीवन मिलता है, तो तुम अपने इस अनमोल जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो या क्यों खराब करने में तुले हुए या खराब कर रहे हो? ये भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। ये जो जमीन है, ये भूमि है, न ही तुम्हारी कभी थी, न तुम्हारी है और न ही ये कभी जमीन तुम्हारी हो सकती है। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सिर्फ भूमि या इस जमीन की बात नहीं है, इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं या जितनी भी चीज़ें सामान हैं, जैसे धन है, संपत्ति है, मकान है, कुछ भी तुम लोगों का नहीं है। यह इंसान का खुद का कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। तुम्हारी जो खुद की वस्तु है या तुम्हारा जो खुद का है, वो है तुम्हारी भजन भक्ति, यानी तुम्हें भगवान की ते में लीन होना चाहिए, तुम्हें भगवान की भक्ति भजन करने चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों की हमेशा भलाई करनी चाहिए। यही तुम्हारी अपनी वस्तु या तुम्हारा अपना कार्य है जो तुम्हारे साथ चलेगा। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, मतलब जो ये भजन भक्ति भगवान की लीनता है, यही संगी साथी है, यही मरने के बाद तुम्हारे साथ रहेगी। बाकी जो भी चीज़ है, ये सब तुम यही रह जाएगा, यही रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। अतएव ये जो संसार में तुम लोग मनुष्य जन्म में से आए हो, इसमें लड़ना झगड़ना बंद करके इस लड़ने झगड़ने में समय को नष्ट या व्यर्थ ही गंवाने से अच्छा है, अपेक्षा से अच्छा है कि जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। कि जीवन में इतने अच्छे कार्य करो या अच्छे कर्म करो, भगवान की भक्ति करो कि तुम्हारा नाम इस जगत में बन जाए, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सवर जाए या तुम्हें स्वर्ग मिले या तुम्हारे जो आगे का जीवन हो वो भी अच्छा हो। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अब दोनों भाई हैं जो अपनी बात को गलत मानते हैं या अपनी गलती मानते हुए, अपनी भूल को मानते हुए, दोनों ही महात्मा जी के चरणों में या पांवों में गिरते हुए बैठते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। उसी दिन से उन लोग दोनों भाइयों ने महात्मा जी से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और उसी दिन से वो भक्त भगवान की भक्ति में और एक दूसरे से हमेशा प्रेम से, प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे, भजन भक्ति करने लगे और अपना जीवन यापन या अपना जन्म सफल करने लगे। ये पाठ यहीं ख़त्म हुआ। अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।